For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. साथ में कर रहे हैं। ओके अर्जुन, कैसा रहा? हमने देखा बच्चों से आपने मुलाकात जी, इंटरेक्ट भी किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार क्या होता है, हम काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि कई बार जो चीज़ों से लगाव होता है, जो एक कॉजेज होते हैं जिंदगी में, जब हम कुछ हासिल कर रहे थे एक मकाम, यू वॉन्ट टू अफिलिएट विद सर्टन थिंग्स जो आपके दिल के करीब होती है। तो गर्ल राइजिंग एक ऐसा कॉज है जिसके मैं बहुत करीब हूँ। मैं काफ़ी समय से चाहता था कि कुछ उनके साथ करूँ। हमारी बातें चल रही थी पर मैं कुछ कॉन्क्रीट करना चाहता था। आज जो मुझे मौका मिल रहा है, थैंक्स टू द जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल, वी बीन एबल टू रेज 30+ लाख्स टू बी एबल टू गिव टू द गर्ल राइजिंग फाउंडेशन, ताकि वो अपना काम जारी रख सके और बड़े पैमाने पर कर सके। सो दे आर रियली वर्किंग एट अ ग्रास रूट लेवल इन इंडिया टू मेक श्योर जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन है उसको उन्होंने जारी रखा है बहुत अच्छे तरीके से। तो आई वॉन्टेड टू अफिलिएट बिकॉज ये मेरे दिल के बहुत करीब है। जेंडर इक्वालिटी की बातें करना होता है ज़रूरी, ताकि लोगों तक बात पहुँचे, पर उसके लिए कुछ करने के लिए भी कई बार आपको यू टू टेक द फर्स्ट स्टेप। सो आई थिंक दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप टू मेक श्योर दैट जेंडर इक्वालिटी सिर्फ बात बन के ना रह जाए, उससे आगे निकले चीज़। कोई ऐसी पावरफुल स्पीच भी देने वाले हैं? यार पावरफुल स्पीच देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर इमोशन सही हो, जेन्यून हो, जो ऑलरेडी लोग मौजूद है दे अग्री विद व्हाट आई फील, इसीलिए वो तीसरे साल ये कर रहे हैं। दिस इज़ द थर्ड ईयर दिस हैपनिंग, मेरा पहला साल है जहाँ पर मैं इधर आया हूँ। सो दे हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, सो आई डोंट नीड टू मोटिवेट देम। आई थिंक दिस इज जस्ट अ वे ऑफ देम अप्रिशिएटिंग व्हाट इज हैपनिंग एज अ कॉज। ऑल दीज पीपल हु हैव दिस पोजिशन ऑफ पावर, दे आर एक्चुअली यूजिंग इट फॉर द बेनिफिट टू मेक इंडिया बेटर इन देयर ओन वे। तो स्पीच से ज़्यादा आई एम अफिलिएटिंग विद देम एंड आई एम थैंकिंग देम फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड देयर सपोर्ट फॉर गर्ल राइजिंग। और आगे चल के जो चीज़ें करूँगा गर्ल राइजिंग के लिए, वो तो आपको सोशल मीडिया और इवेंट्स के द्वारा वैसे ही देखने का मौका मिलेगा। ये तो शुरुआत है अभी, कुछ ही घंटे बाकी रह गए आपकी फिल्म। हाँ, आपका दिल धड़क रहा है? जी हम तो excited, मेरा तो धड़क रहा है। आप बताइए कि एक्साइटेड क्योंकि आपके सारे फैन अब यहाँ से जाना है। ये फंक्शन जैसे ही खत्म होगा मुझे जाना है, स्क्रीनिंग चल रही है, मीडिया के दोस्त भी देख रहे हैं, साथ ही में कॉलीग्स है, कास्ट एंड क्रू है, काफ़ी सारे लोग हैं। तो अभी इस वक्त सोच ही सकता हूँ, उधर जाके महसूस कर पाऊँगा, अभी थोड़ा सा सुन हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 दिन से प्रमोशन चल रही है और उसके पहले भी एक और पिक्चर की प्रमोशन करा था, तो कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़ा सा नम हूँ। जैसे ही वहाँ जाऊँगा तो आई एम श्योर बहुत सारे इमोशंस आ जाएंगे। और अभी कल का इंतज़ार है, इवेंचुअली हम बनाते हैं फिल्म दर्शकों के लिए, तो आई एम होपिंग कल से जब लोग थिएटर में जाएंगे।
amazing Bollywood superstar here with us tonight. Welcome, welcome. आप मत जाइए, आप भी आइए, please. A big hand, show your love for Arjun Kapoor. Arjun, before we get some of the girls from Girl Rising to say something, we'd like this boy rising to say something. Would you like to say a few words? How are you feeling being here today? You could use the podium or we could give you a mic, whatever works. Good evening, ladies and gentlemen. Sorry for Bollywoodizing your evening. my film's releasing, so I just felt like dancing and spreading the positive vibes. I get very, very nervous and apprehensive when I have to talk in front of so many people. And I know it sounds a bit of a dichotomy, a man who's supposed to be entertaining people all the time and is supposed to be a people's person. But I'm very, very overwhelmed. But before I say much, I would like, we have two of our children over here who've prepared something. So I think it's best if they start. Phir main aapko uske baad bore karte rahunga, fikar mat kijiye. Come. Who's going to start first? You? Come. Yeah. हेलो, हाय, मेरा नाम माय नेम इज सालेह, आई एम लिविंग इन गोवेंडी, आई एम फ्रॉम द सेव द चिल्ड्रेन. सबसे पहले मैं तो अर्जुन सर को बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी है सबके सामने मेरी स्टोरी बोलने के लिए. तो बहुत बहुत थैंक यू अर्जुन सर. मैं आपको बताना चाहूँगी, लड़कियाँ, गर्ल्स या बॉयज़, दोनों के लिए एजुकेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जैसे कि एक स्टोरी मेरी खुद की एग्जांपल, मेरी कम्युनिटी में मुझे पढ़ाई के लिए रोका जा रहा था. 10वीं के बाद मैं नहीं पढ़ रही थी. किस वजह से? कम्युनिटी में सेफ्टी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अलग अलग इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से लड़कियाँ रुक जाती, कमज़ोर पड़ जाती. फिर भी मैंने सोचा नहीं, मुझे पढ़ना है. फिर मैंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया. देखो, मेरी बहन ने सिस्टर जो थी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं की, कंप्लीट नहीं की, और आज वो शादी करी है जिसकी वजह से कितनी सारी उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. तो मैं नहीं चाहती थी कि वो प्रॉब्लम मेरे साथ क्रिएट होए, तो इसलिए मैंने खुद अपनी पढ़ाई स्टार्ट की. और मेरे सबके पेरेंट्स को कन्विंस करना इतना ईजी नहीं होता है, सबको हार्ड रहता है कि हाउ टू कन्विंस द पेरेंट्स. तो मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, साथ में मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स को. फ्रेंड के पेरेंट्स बोल रहे थे पहले तू पढ़. क्या बोल रहे थे? पहले तू पढ़. तो मैंने अपना एडमिशन कराया, साथ में मेरे फ्रेंड्स के सर को एक अपने लेके गया, क्योंकि मेरे को बहुत छोटी समझते हैं लोग, बोलते तेरी बात नहीं मानेंगे. तो उसकी वजह से मैंने अपनी फ्रेंड को लेके गया, उनके घर पे बात किया, और साथ में आज हम लोग ग्रुप बना के एक अपनी कम्युनिटी से निकल के बाहर हम लोग कॉलेज के लिए जाते. तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं जैसा एग्जांपल अपनी कम्युनिटी में बनी हूँ, अपने एरिया में बनी हूँ, सिर्फ मेरे एरिया में बस वहीं तक का मुझे नहीं रहना है. मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बनना है कि सारी लड़कियों के लिए, सिर्फ मेरी कम्युनिटी के लिए नहीं. तो मैं सभी लड़कियों को एक शायरी के थ्रू बोलना चाहूँगी, जिंदगी में कभी किसी को पाने की तमन्ना मत करो. जिंदगी में कभी किसी को पाने की तमन्ना मत करो, बल्कि खुद को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हें पाने की तमन्ना करें. मैं तो सबसे पहले थैंक यू गर्ल्स राइजिंग एंड अर्जुन सर का, और सेव द चिल्ड्रन जिसके थ्रू, और अपना ले जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आई, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है. शायद से मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे. थैंक यू अर्जुन सर. आपने अपना नाम नहीं बताया. सालिया. यस मैम. मैं आपसे दो चीज़ें कहना चाहती हूँ. एक तो ये कि जब मैं छोटी थी, आई विश आप जैसी बेस्ट फ्रेंड मेरे पास होती. इतनी इंस्पायरिंग, इतनी कॉन्फिडेंट, बहुत बढ़िया. और दूसरी बात, अगले साल मुझे लगता है वो यहाँ खड़े होकर मेरा काम करने वाली है. बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात किया. वेरी नाइस.